क्या आप एक बहुत ही खूबसूरत सा सीस्केप पेंट करना चाहेंगे और जिसको पेंट करने के लिए बहुत कम मटेरियल्स जैसे कि वाटर कलर्स की ज़रूरत हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। आज मैं आप लोगों के लिए पेंट कर रही हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कलरफुल सा सीस्केप, जो कि मैं जस्ट वाटर कलर्स के साथ पेंट करने वाली हूँ। और आप लोग देखिएगा कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक सीस्केप जो है वो आप लोगों के सामने क्विकली क्विकली पेंट हो जाएगा। एज़ यू नो कि वाटर कलर्स जो है वो एक क्विक मीडियम है, तो उसमें पेंट करने का भी एक अलग ही मज़ा है। सो वी आर गोइंग टू वर्क इन लेयर्स और आहिस्ता आहिस्ता हम डिटेल्स निकालेंगे किस तरह से आज का जो सीस्केप है वो मैंने पेंट किया है, सब आप लोगों के सामने करूंगी। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि आज का सीस्केप हमने किस तरह से पेंट किया। यहाँ पर मैं पेंसिल लेके सिंपली पेपर को डिवाइड कर रही हूँ बिकॉज स्काई एरिया हमें ज़्यादा चाहिए और चूंकि स्काई एरिया के साथ साथ हमने थोड़ा सा अर्थ एरिया भी बनाना है, सो वी वॉन्ट टू डिवाइड आर पेपर इन टू हाफ्स, और टू हाफ्स इस तरह से कि स्काई का एरिया ज़्यादा होगा और अर्थ का एरिया कम होगा। स्काई पे मैंने हल्का सा वॉश लगाया है ब्लू का, उसके बाद अभी मैं सी के एरिया में जो है वो ब्लू कलर अप्लाई कर रही हूँ। पेपर मेरा शदीद शदीद वेट है, आप लोग देख सकते हैं, आपको रिफ्लेक्शन से भी फील हो रहा होगा। तो 12 नंबर ब्रश जो है वो सबसे बड़े साइज़ का ब्रश है ब्रशेज़ में, तो आप इसको यूज़ करके ये इनिशियल वॉश जो है वो दिया करें, क्योंकि बड़े बड़े एरियाज़ को ये कवर करने में बहुत आसानी से हेल्प आउट कर देता है। इसके बाद मैंने वाटर कलर पेंसिल ली है ब्लू कलर की, मेरे पास ये पूरा 24 कलर्स का सेट है, उसमें से ये वाला ब्लू शेड जो है वो लेके मैंने क्लाउड्स का एरिया जो है वो डिफ़ाइन किया है। और चूंकि ये वाटर सॉल्यूबल पेंसिल्स हैं तो इसके बाद मैंने वाटर का वॉश देके उसको ब्लेंड कर दिया था। सो नाउ आई एम मिक्सिंग पर्पल कलर और मेरा पेज जो है वो सेमी ड्राई है, यानी कि वेट भी है और बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं है। सो इसके ऊपर मैं पर्पल के साथ इनिशियल वॉश जो है वो देना शुरू करूँगी। बेसिकली मैं यहाँ पर पर्सपेक्टिव जो है वो पहले क्रिएट कर रही हूँ, यानी कि डिस्टेंट चीज़ों को मैं पहले जो है वो पेंट कर रही हूँ विद अ लाइटर वॉश, और फिर हम ग्रेजुअली जब डिटेल्स बनाएंगे तो डिटेल्स जिसमें जिन चीज़ों को हमने डार्कर करना है या फोरग्राउंड की जो चीज़ें हैं हमारी उनको अगर हमने डिटेल्स देनी हैं तो उसको मैं बाय द टाइम डार्कर शेड्स के साथ आहिस्ता आहिस्ता पेंट करना शुरू कर दूँगी। तो लाइटर शेड्स के साथ काम करना बहुत ही आसान होता है, ठीक है। वाटर कलर्स का आप जितने भी आर्टिस्ट वगैरह यूज़ करते हैं उन सबको इस चीज़ का बहुत अच्छे से आइडिया होगा कि वाटर कलर्स करते हुए जो है वो स्ट्रोक्स बहुत ज़्यादा सोच समझ के लगाने पड़ते हैं, क्योंकि वंस द पेंट इज़ अप्लाइड आप उसको ठीक नहीं कर सकते या आप उसको रीडू नहीं कर सकते, जैसे कि आप ऑयल पेंट से एक्रेलिक्स में करते हैं, एज आई ऑलवेज से दिस स्टेटमेंट। तो यहाँ पर मैं बहुत लाइट सा कलर ले लेके यहाँ पर ट्रीज़ का इफ़ेक्ट बना रही हूँ एज़ यू कैन सी, और सारा इफेक्ट जो है वो मैं येलो के ऊपर भी थोड़ा सा बनाऊंगी ताकि बैकग्राउंड में जो है वो हमारे ट्रीज़ सब जो हैं वो बन जाएं। उसके बाद फोरग्राउंड में यानी कि येलो पार्ट के ऊपर भी मैंने दो ट्रीज़ बनाने हैं, लेकिन उनको मैं थोड़ा सा डार्कर शेड्स के साथ बनाऊंगी क्योंकि वो फ्रंट पर हैं और ये पर्पल ट्रीज़ जो हैं ये बैकग्राउंड में चले जाएँगे, यानी कि बहुत दूर से नज़र आते हुए आपको दिखाई देंगे। तो इसलिए मैं पहले दूर वाले ट्रीज़ को पहले बना रही हूँ इन परस्पेक्टिव, और उसके बाद मैं फ्रंट वाले ट्रीज़ को लेटर ऑन बनाऊंगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने आज वाटर कलर्स ही बेसिकली यूज़ किए हैं, ये पेंसिल्स हैं। पेंसिल्स के साथ थोड़ा सा छोटी छोटी डिटेल्स माइन्यूट डिटेल्स जो हैं उनको देने में आसानी होती है, तो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं कहीं कहीं, लेकिन मैक्सिमम आज पेंटिंग जो है वो वाटर कलर्स के साथ ही हुई है। तो आप दोनों चीज़ों को मिक्स एंड मर्ज कर सकते हैं, दोनों का इफेक्ट जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, दोनों ही वाटर कलर्स हैं, एक पेंसिल फॉर्म में है वाटर सॉल्यूबल और एक किट की फॉर्म में। जी तो वाटर कलर्स का काम तो चलता रहेगा, लेकिन यहाँ पर काम करते करते मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अभी तो जस्ट शुरुआत है, एंडिंग ज़रूर देखकर जाइएगा क्योंकि एंडिंग में जो पूरी फुल डिटेल्ड पेंटिंग है वो आपको सब नज़र आने वाली है। तो अगर आप एक बिगिनर आर्टिस्ट हैं तो आप इन वीडियोज़ के साथ स्टेप बाई स्टेप वाटर कलर्स सीख सकते हैं, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बस ये है कि हम लेयर्स में काम करते हैं, ग्रेजुअली लाइटर शेड्स के ऊपर डार्कर को रेंडर करते हैं, और उससे फ़ायदा ये हो जाता है कि लाइटर शेड्स भी अपनी जगह पर रहते हैं और डार्कर शेड्स के साथ जो है बड़ी अच्छी सी ब्लेंडिंग हो जाती है। अब मैं ये येलो पार्ट को जो कि मैंने थोड़ा सा आप कह लें कि अर्थ पार्ट बनाया है जो कि सेंटर में आ रहा है सीस्केप के,
तो उसको थोड़ा सा रेंडर करना शुरू किया है, और जो एक फ्रंट पे ट्री आ रहा है ग्रीन, उसको बना रही हूँ विद द हेल्प ऑफ ब्रश। मैंने यहाँ पे कोई पेंसिल के साथ स्केचिंग एज सच नहीं की थी आप लोगों के सामने। ट्रीज़ भी आपने डायरेक्ट ब्रश के साथ ही बना लें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप डायरेक्ट ब्रश के साथ इतनी अच्छी हैंडलिंग नहीं कर सकते तो आप पेंसिल के साथ हल्का सा एक इमेज स्केच आउट कर लें। बट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने पेपर को शुरू में बिल्कुल जस्ट टू पार्ट्स में डिवाइड किया था और कुछ भी नहीं किया था। ये येलो पार्ट जो अर्थ का है वो हल्का सा मैंने ड्रॉ किया था, लेकिन बाकी कुछ भी नहीं किया। तो यहाँ पर अब मैं पर्पल में हल्की हल्की सी डॉटेड और लाइंस के साथ हल्की हल्की सी डिटेल क्रिएट कर रही हूँ, जो कि लास्ट वाले पर्पल वॉश से थोड़ी सी डार्कर होने वाली है। और उसके बाद जो है वो मज़ीद मैं इसको रेंडर करूँगी, लेकिन यहाँ पर इतना करने के बाद आई विल लीव इट, क्योंकि उसके बाद मैं फ्रंट ट्री बनाऊँगी। और फ्रंट ट्री बनाने के बाद आई विल सी टू इट कि मैं मतलब मुझे बैकग्राउंड में और ज़्यादा डिटेल्स या डार्कनेस चाहिए, शेडोज़ चाहिए या नहीं। अब ये वाला जो पर्पल एरिया अभी मैं आपके सामने रेंडर कर रही हूँ, ये थोड़ा सा फ्रंट पे है और ट्रीज़ उससे भी पीछे हैं, तो इसको हमने थोड़ा सा डार्क करना है। और कोशिश भी यही करनी है हमने कि हम जो भी कलर्स अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो बैकग्राउंड यानी दूर के एरियाज़ में, दूर के एरिया हम पेंट कर रहे हैं या नियरेस्ट एरिया करें, हमारी डिटेल्स जो है ना वो ज़रूर होनी चाहिए। डिटेल्स के बगैर कभी भी पेंटिंग जो है ना वो रियलिस्टिक नहीं लगती। यहाँ पर मैं शेडो बना रही हूँ और उसमें जो है वो मैं, आप लोग देख सकते हैं कि मैं सी के एरिया को जो है वो हल्का हल्का सा शेड कर रही हूँ ग्रीन के साथ, और ग्रीन और ब्लू मिक्स करके, क्योंकि पानी के बेतहाशा शेड्स हैं। आप लोग देखिएगा कि हर जगह के हिसाब से शेड्स डिफरेंट हैं। अगर आप पाकिस्तानी जगहों के देखेंगे तो पाकिस्तानी सीज़ के कलर डिफरेंट हैं, बाहर के मुल्कों के देखेंगे तो सीज़ के कलर डिफरेंट हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द एरियाज़, द कंट्री और डिफरेंट जगहों के हवाले से कि पानी किस कलर का आपको नज़र आ रहा है, मतलब कितना साफ़ है और कितना गंदा है। ऑन द स्ट्रेटर नोट, तो यहाँ पर अब मैं ट्रीज़ के ट्रंक्स को बना के अब मैं डिटेलिंग कर रही हूँ, छोटी छोटी ब्रांचेस ऐड कर रही हूँ। इसके लिए आप छोटा ब्रश यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी छोटे ब्रश पे स्विच कर लिया है। तो जब आपने छोटी छोटी डिटेल्स, बारीक बारीक डिटेल्स बनानी है, तो मेक श्योर कि आप एक छोटे साइज़ का ब्रश ले लें। आप यहाँ पर 0 नंबर का ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, 1 नंबर का भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी ब्रश आप ईज़िली हैंडल कर सकें। अब इन ब्रांचेस के ऊपर मैंने येलो कलर डायरेक्टली फ्रॉम द पैलेट लेके अप्लाई करना शुरू कर दिया है, और उसको भी हल्का हल्का सा डिटेल देंगे विद सम ऑरेंज शेड। और यहाँ पर मैंने येलो ऑरेंज को मिक्स किया है, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा सा डार्क रखा है येलो से, ताकि थोड़ा सा कलर ऐड हो जाए। और सिर्फ हम ट्री में ही ये कलर जो है ये ऐड करेंगे, उसके बाद बहुत हल्का सा हम ग्राउंड एरिया में भी करेंगे, जैसे कि लीव्स गिरे हुए होते हैं या आप जिस तरह से शेडिंग कर रहे होते हैं उस तरह से। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मैंने इसको ज़्यादा ट्री के इन लीव्स के ऊपर ही ऐड किया है, थोड़ा सा जैसे ऑटम इफेक्ट देने के लिए। सो यहाँ पे ग्रेजुअली ग्रेजुअली आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से वॉश जो है वो अप्लाई किया। अभी मैं और मज़ीद डार्क शेड जो है वो सी एरिया में अप्लाई कर रही हूँ, और ये सिर्फ सी को हमने ब्लू कलर के साथ ही नहीं रेंडर करना होता है। यहाँ पर मैं थोड़े से डार्कर शेड्स के साथ थोड़ा सा इस साइड पर पेज के बॉटम पे अर्थ एरिया दिखा रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा ना होने के बराबर। तो इस तरह से आप जो हैं वो अपने सी एरिया में देखें। अब मैंने ग्रीन के साथ जो है वो ब्लू शेड अप्लाई करना शुरू किया है, ताकि जो सी का कलर है वो भी अच्छा लगे और थोड़ा सा हमारा ट्रीज़ का भी जो रिफ्लेक्शन है ना वो डार्क ग्रीन के साथ जो है वो नज़र आ जाए। एंड नाउ इज़ द टर्न ऑफ फाइनल टचेज़। तो आप लोग देख सकते हैं कि फ़ाइनल टचेज़ जो हैं वो अब शुरू हो गए हैं। काफ़ी हद तक मैं कलर्स को रेंडर कर चुकी हूँ, लेकिन अभी भी आई एम गोइंग टू अप्लाई सम मोर कलर्स। और बहुत सोच समझ के आपने कलर्स को अप्लाई करना है, क्योंकि एज़ आई सेड अर्लियर कि वाटर कलर्स में जो भी एक गलत स्ट्रोक लग जाएगा वो चेंज नहीं होगा। तो बेहतर यही है कि आप सोच समझ कर जो है वो कलर्स ऐड करें। और यहाँ पर सी में आप लोगों को जो मैं थोड़ी बहुत लाइंस ऐड कर रही हूँ, थोड़े से शेडोज़ ऐड कर रही हूँ, वो वेव्स दिखाने के लिए, और कुछ एरियाज़ मैंने बिल्कुल पेपर के वाइट छोड़े हैं, उनके साथ जो है वो एक हाइलाइट्स का इफेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो हाइलाइट्स भी बिल्कुल आप वाइट मत छोड़ें, आप उसमें बिल्कुल सबसे जो लाइटेस्ट वॉश होता है ना वही आपका हाइलाइट्स के लिए बेस्ट रहता है, बिल्कुल वाइट छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सी का एरिया जो है वो मैंने किस तरह से अब डिटेल्स ऐड की हैं और क्या क्या जो है वो चीज़ें मज़ीद ऐड हुई हैं।
क्लोजअप्स आपको दिखा रही हूँ आज की पेंटिंग की फाइनल लुक की, और कुछ भी अगर आपको इनकम्प्लीट लग रहा है तो आप एंड पे फाइनल टचेस दे सकते हैं। आपको पता है कि फाइनल टचेस तो एंड तक जारी रहते हैं, लेकिन यहाँ पर आई जस्ट होप एंड विश कि आपको आज की पेंटिंग जो है वो अच्छी लगी होगी। थोड़े से क्लोज शॉट्स एंड थोड़े से दूर से शॉट्स जो हैं वो मैंने आप लोगों के लिए अटैच कर दिए हैं। ऑलराइट गाइस, तो ये था आज का इंटरेस्टिंग सा शॉर्ट सा इनफैक्ट वेरी डिटेल्ड ट्यूटोरियल। आई होप कि आपको आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। इवन मैंने जो सीस्केप पेंट किया वो भी कोई बहुत सिंपल सा नहीं था, बहुत ही अच्छा, बहुत ही कलरफुल सा था। आई होप कि आपने तमाम वाटर कलर की लेयर बाय लेयर टेक्निक्स को अंडरस्टैंड किया होगा कि किस तरह से मैंने उनको लाइटर शेड्स के साथ स्टार्ट किया एंड देन मैंने बाय द टाइम ग्रेजुअली उसकी डिटेल्स जो हैं वो बिल्डअप की। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की पेंटिंग कैसी लगी। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।